सो हाई गाइज, अगेन वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल, इन योर ओन यूट्यूब चैनल। सो होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बहुत ही सॉरी मेरी तरफ से, बिकॉज बहुत टाइम हो गया अपलोड किए वीडियो। तो अब कंटिन्यूसली अपलोड करूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो एपिसोड नंबर 6 है। पिछले एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, देख लीजिएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये सब हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा मैंने फिगर से बताया था, टाइम दिया था। भैया टाइम तो दो यार, आप लोग टाइम दो। 10-10 मिनट की वीडियोस होते हैं, 10-10 मिनट अगर आप 6 वीडियोस हो रहे हैं किसी चैप्टर के, तो आपका एक घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है ना। तो बहुत ही आपके लिए इजी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, 10 मिनट का वीडियो हो गया तो कोई देखता ही नहीं है ना। तो एक बार देखो आप, अच्छा लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मेरा वीडियो अगर आप देखोगे अच्छे से। तो देखिए, इस एनिमल किंगडम में हमें 10 फाइला के बारे में डिस्कस करना है, और किस बेसिस पे ये डिवाइडेड हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया है। ठीक, अब मैं इस लेक्चर में तो नहीं बता पाऊंगा, हाँ जैसे बीच बीच में बता दूंगा, याद दिला दूंगा। ओके, तो देख लीजिए मेरा पिछला लेक्चर। सो लेट्स मूव ऑन टू द आवर फर्स्ट फाइला, दैट इज पोरीफेरा, है ना। देखो भाई, 10 फाइला हैं, पोरीफेरा, सिलेंडर, टेट्रापलेटी, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो हमें अभी कुछ जो अभी डिस्कस हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर, वो मैं भी बता दूंगा आपको। ओके, तो पहला फाइला है पोरीफेरा, ध्यान से सुनना, कुछ नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, टेंशन मत लेना, सब कुछ मैं बताऊंगा, है ना। लास्ट में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि डायग्राम के साथ मैं बताऊंगा। ओके, तो पोरीफेरा इज डिराइव्ड फ्रॉम पोर्स, है ना, क्योंकि इनके पास ये ऑर्गेनिजम्स है, फाइला है एनिमेलिया के, जिनके पास पोर्स होते हैं, पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स मतलब जानते हैं ना, ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, बहुत बड़े बड़े बता दिए, है ना, तो कि अंदर बाहर आ जा सके कुछ भी, पानी वगैरह। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल सेसाइल होते हैं। सेसाइल पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, अभी फिर से बता देता हूँ। सेसाइल मीन्स होता है जो मूव नहीं कर सकते। ओके, ये मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रट लो कौन से एनिमेलियम में लाई करते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, पोरीफेरा। ओके, क्योंकि देखो ये पोरीफेरा आपका पहला फाइला है, तो ये सबसे कम डेवलप्ड है ना, सबसे लीस्ट डेवलप, मतलब डेवलप ही नहीं ज़्यादा। और जो लास्ट वाला फाइला होगा वर्टिब्रेटा, जिसमें आप लोग भी लाई करते हो, हम लोग भी लाई करते हैं एनिमेलिया, तो में हम लोग ह्यूमंस वगैरह लाई करते हैं, तो ये बहुत डेवलप्ड होते हैं वर्टिब्रेटा। बाकी ये सब अभी डेवलप हो रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में। ओके, तो अच्छे से ध्यान से समझना, तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो ज़्यादा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसिमेट्रिक होता है, मतलब कि अगर आपका ये है कोई ऑर्गेनिज्म, तो बीच से काटोगे ना, इधर सेम रहेगा ना इधर सेम रहेगा, अपने आप को देखो, अपने आप, तुम अपने आप को मत देखो, ये तो डाउट हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया ना। और ये आप देखो, नॉन मोटाइल है तो किसी ना किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड होंगे, है ना, समझ रहे हो ना, किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड रहते हैं। इनके पास पोर्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है दो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, है ना, उनके एक दो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं किसी भी जर्म सेल में, जैसे ये है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास दो लेयर हैं, एक और एक अंदर वाली, इनके पास तीन है, एक दो तीन, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। एक्टोडर्म एंडोडर्म है, और एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म। ओके, रट लो, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है ना, बस ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक रट लो बस। तो अभी कैनल सिस्टम, इनके पास कैनल सिस्टम होता है। कैनल सिस्टम क्या है, या देखो जैसे ऑर्गेनिज्म है ना, उसके पास पोर्स हैं, पोर्स है ना, पोर्स, तो इसी पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाएगा और बाहर आएगा। पोर्स का नाम होता है ऑस्टिया, ऑस्क्युलम, है ना, ज़्यादा हायर है, आप पढ़ोगे आगे, तो जो ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑस्क्युलम से बाहर जाता है। सो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कैनल सिस्टम में रट लो। मरीन होते हैं, मरीन मतलब जो तालाब, जो पानी में टोटल वहाँ पे रहते हैं, समुद्र वगैरह में रहते हैं। ओके, बिल्कुल पानी में ही रहते हैं। यू आप देखो पोरीफेरा के एग्जांपल में केवल स्पॉन्जेस एक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा। यू प्लेक्टेला, साइकॉन, स्पॉन्जिल्ला, रट लो, कोई वो नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे ना, ऐसे नोट्स बना जैसे मैंने बनाए हैं, ऐसे नोट्स बनाओगे आपको रट जाएगा, है ना। एनसीईआरटी फिर रीड करोगे तो एनसीईआरटी में क्या कि ऐसे 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 है, समझ में नहीं आता, आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसको रिवाइज कर सकते, इसलिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं। मैं अभी 9th में ऐसे ही बनाया करता था। ओके, कोई टेंशन हो तो बताना। शकल देख लो एक बार, ये यू प्लेक्टीलिया है, ये साइकॉन है, और ये स्पॉन्जी थोड़ा ड्रैगन टाइप में दिखता है ना, रट लो, फिगर से याद कर लो, क्योंकि आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो अब लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड फाइलम। ओके, दैट इज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा क्या है भैया, सीलेंट्रेटा, तो देखिए सीलेंट्रेटा को हम जनरली निडारिया भी कहते हैं, एनसीईआरटी में देखना ऐसे स्लैश करके निडारिया लिखा होगा, है ना, तो निडारिया भी कहते हैं। तो निडारिया क्यों कहते हैं भैया, निडारिया डिराइव हुआ है नीडोब्लास्ट से। अब नीडोब्लास्ट नया वर्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है ये, है ना, नया वर्ड है हमारे लिए भी आपके लिए भी। ओके, तो देखो नीडोब्लास्ट है, तो नीडोब्लास्ट एक
ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो अपने आप को बचाता है, डिफेंस करता है और अपने प्रे को कैच करता है। भाई देखो, अपने आप को देखो, तुम्हारे पास हाथ है ना, हाथ है तो अपने हाथ से तुम कैच कर लेते हो किसी को भी, प्रे, अपने प्रे को कैच कर सकते हो, खाना आप तुम्हारा प्रे है, ठीक, मान लो तो फूड है उसको खा लिए तुम हाथ से, लेकिन इनके पास तो हाथ होते नहीं है, इनके पास नीडोब्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ही अपने प्रे को कैच करते हैं। ओके, डॉट लो, इतना कुछ खास नहीं है, तब पढ़ लो नीडोब्लास्ट पढ़ लो बस। नीडोब्लास्ट किस में प्रेजेंट है? सीलेंट्रेटा में, उनको निडाजा इसीलिए कहते हैं। इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पिछला पोरीफेरा सेलुलर लेवल था, सीलेंट्रेटा टिश्यू लेवल है बस। ओके, और ये आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, पोरीफेरा, ये दोनों टू लेयर्स ऑफ सेल हैं, इनर और आउटर। ये अब देखो, कुछ इनमें कुछ होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनीज मतलब कि एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं, कॉलोनीज जानते हो ना, कोई भी कॉलोनी पकड़ लो, है ना, गोकुलधाम सोसाइटी तो कॉलोनी में रहते हैं। तो एग्जांपल ले लो कोरल, कोरल एक एग्जांपल है सीलेंट्रेटा का, ऑर्गेनिज्म का, जो कॉलोनीज में रहते हैं। ओके, ये अब सीलेंट्रेटा मोस्टली मरीन है, समुद्र में रहते हैं, है ना, मोस्टली मरीन है, लेकिन हाइड्रा इज ओनली एंड ओनली एक्सेप्शनली फ्रेश वाटर, एक्सेप्शन है भैया, रट लो, हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर मतलब जो तालाब वगैरह में मिल जाते हैं। ओके, एग्जांपल ले लो हाइड्रा, सी एनीमोन, जेलीफिश, जेलीफिश आपने सुना होगा, है ना, तो ये देखो, ये हाइड्रा शक्ल देख लो, ये आपका हाइड्रा है, ये देखो स्टिंगिंग सेल्स हैं, टेंटिकल्स हैं, रट लो, है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सी एनीमोन है, आप वहाँ लेबलिंग में मत जाओ उतना, ठीक, फिगर देखो केवल। ओके, अब नया फाइला जो आ रहा है वो प्लैटीहेलमिंथस है ना, जल्दी जल्दी एक शॉट में ख़त्म करो, फिर आप रिवाइज करते रहना। ओके, और कोई डाउट हो तो मुझे ड्रॉप भी कर देना, है ना, कमेंट सेक्शन से, आपके लिए, आप ही लोग के लिए। ओके, तो प्लैटीहेलमिंथस बहुत ही इंपॉर्टेंट कायक कौन हूँ, है ना, इन्हीं के चक्कर में हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती है ना, तो प्लैटीहेल, अभी देखो, पोरीफेरा आपका एसिमेट्रिक था, सीलेंट्रेटा आपका रेडियल सिमेट्री था, रेडियल सिमेट्री मतलब स्टार फिश देखे हो, है ना, हाँ, आपको फिगर दिखा देता हूँ, है ना, क्लैरिटी आ जाएगी, स्टार फिश है, तो मैं रुकना, ये स्टार फिश। ओके, तो आप यहाँ से काटे तो भी सेम, यहाँ से काटे तो भी सेम, यहाँ से कहीं से भी काटोगे तो सेम ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ओके, ये होता है रेडियल सिमेट्री में, ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री है, केकड़ा देख लो, बीच से काटोगे तो इधर सेम रहेगा, इधर सेम रहेगा। ओके, तो ये होता है दोनों सिमेट्री में अंतर, समझ में आ रहा है ना, तो पोरीफेरा आपका एसिमेट्रिक था, सीलेंट्रेट आपका रेडियल सिमेट्री था, और प्लैटीहेलमिंथस जो आपका था वो आपका प्लैटीहेलमिंथस जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब अपने आप को देखो, ऐसे काटोगे, बीच से काटोगे तो इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा। ओके, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने बताया था, अब देखो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में शायद डिस्कस किया था कि डॉर्सल क्या है और वेंट्रल क्या है, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, है ना, अच्छे से देखना, तो पीठ वाला रीजन है पीछे वाला रीजन जो है, पीछे वाला रीजन है डॉर्सल, आगे वाला रीजन है वेंट्रल, समझ में आया, पीछे वाला डॉर्सल, आगे वाला वेंट्रल, लेकिन यहाँ पे बात है डॉर्सल भी और वेंट्रल भी, आगे पीछे दोनों का, दोनों ही बॉडी फ्लैट है, फ्लैट मतलब कि टेप देखो, टेप, टेप आगे भी फ्लैट होता है पीछे, टेप समझ रहे हो ना, टेप वो जो सेलो टेप होता है ना, टेप लगाते हैं जो, वो आगे भी फ्लैट पीछे भी फ्लैट होता है, वो तो नॉन ऑर्गेनिज्म है ना, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब कहने की बात है, दिखने का स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, ऐसे होते हैं भैया, टेप जैसे दिखते हैं, प्लैटीहेलमिंथस टेप जैसे दिखते हैं। ओके, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं इनको, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, मतलब ऑर्गन समझ रहे हो ना, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ऐसे लीवर नहीं होते इनके पास, लेकिन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके पास एक डेवलपमेंट आ जाता है, नया डेवलपमेंट आ जाता है ये, कि ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, समझ आए ना, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनके पास सीलम नहीं होता, सीलम, सीलम समझते हो ना, सीलम, सीलम देखो एक नया कॉन्सेप्ट समझ लो, पिछली बार मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जो सीलम होता है, सीलम, सीलम इज अ कैविटी बिटवीन ये से है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर है, तो ये केवल ट्रिप्लोब्लास्ट प्रेजेंट है, एक लेयर, दो लेयर और एक तीसरी लेयर, है ना, तीन लेयर हैं, उनके बीच में एक ये जो मेसोडम, बीच वाली लेयर है मेसोडम, उनके बीच में एक कैविटी होती है, एक कैविटी होती है, उसको सीलम कहते हैं, अगर वो कैविटी नहीं है प्रेजेंट तो सील, ए सीलोमेट कहलाता है, अगर प्रेजेंट है तो सीलोमेट, और अगर प्रेजेंट है लेकिन सीडो है, गलत टाइप, फॉल्स टाइप में है, तो वो सीडो सीलम है ना, वो अभी फिर अगर आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, तो ये एब्सेंस ऑफ सीलम इनके पास, रट लो, ए सीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, प्लैटीहेलमिंथस एक्सेप्शन है, रट लो, अभी देखो ये पैरासाइटिक होते हैं, मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, जिनका पैरासाइटिक फॉर्म रट लो, लीवर फ्लूक,
टेपम, पैरासाइटिक समझ रहे हो ना, मतलब कि ये जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े नहीं कहूँगा, प्लेटिहेल्मिंथ जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी आप ही के अंदर पहुँच जाएंगे। जैसे टेपम आपने सुना होगा, इंटेस्टाइन में जिंदा रहते हैं, अंदर जिंदा पहुँच जाएंगे, जिंदा रहेंगे अंदर, है ना, फिर आप ही से वो कर लेंगे, खाना लेंगे, है ना। टेपम क्या होता है, हड्डी खोखला कर देते, पता है आपको, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है आपके, कभी कभी पहुंच जाता है, तो ऐसे हुक टाइप में स्ट्रक्चर होता है, ये देखो स्ट्रक्चर देख लो टेपम का, टेपम बहुत लंबा होता है, यहाँ हुक होता है उसका, हुक मतलब समझते हैं ना, जो कपड़े वपड़े सुखाते हैं तो हुक लगाते हैं, तो ऐसा वैसे लहराता रहता है वो, है ना, वो खाना आपको, आपका फूड खाता है वो, है ना, फूड खाते, पैरासाइटिक मतलब कि जो आपका फूड खाए। तो और ये एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में आपका आता है प्लानेरिया, प्लानेरिया भी एक टेप फ्लैटी एलिमेंट है, ओके। तो एग्जांपल रट लो आपका ये टेपवर्म और लीवर फ्लूक, है ना, टेपवर्म को टाइनियस सोलियम कहते हैं साइंटिफिक नेम में, फेसिओला हेपाटिका कहते हैं, लीवर फ्लूक, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, मैं तो बता दिया, ओके। अब नेमाटोडा, लास्टली इसको भी डिस्कस कर लेना ज़्यादा से पहले, नेमाटोडा भी प्लेटी एलिमेंट से ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, ओके। तो ये भी बायलैटरल सिमेट्रिक है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, और सीडो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सीडोसीलम। अब देखो एक बार मैं आपको दिखा ही दूँ, है ना, क्यों आपको डाउट में डालूँ सीडोसीलम वगैरह के बारे में। हाँ, ये बात देखो, तीन लेयर हैं आपके, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, फिर हो गया मेसोडर्म, मेसोडर्म के बीच में एक कैविटी है, सफेद सफेद दिख रही है, वाइट कैविटी है, उसको हम सीलम कहते हैं, अगर कैविटी प्रेजेंट है तो सीलम है, अगर नहीं प्रेजेंट है, ये देखो ये वाला फिगर देखो, तो ये एसोडोमेट है। और अगर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स में है, ये देखो ये जो मेसोडर्म ऑरेंज ऑरेंज देखो, ये ऐसे ऐसे गोल गोल हो गया, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो इसको सीडोसीलम कहते हैं, लेकिन फॉल्स है ना, समझ रहे हो ना, तो ये फिगर देख लो समझ में आ जाती है। तो ये है, तो आपका जो ये नेमाटोडा है, इनके पास सीडोसीलम होती है, रट लो दिमाग में बैठा लो, इनको एस हेलमिंथस भी कहते हैं, नेमाटोडा को नेमाटी हेलमिंथस भी कहते हैं, ओके, रट लो, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, वो हाई लेवल की बात है। तो ये सीडोसीलम है, इनके पास रियल ऑर्गन्स नहीं होती, लेकिन टिश्यूज होती है ना। देखो अब यहाँ पे सीडो की बात आती है ना, तो देखो अब देखो मैं क्या बताया था पिछले वाले में, इसमें प्लेटी हेलमिंथस में ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन लेवल, लेकिन ये थोड़ा सा लेस डेवलप हो जाता है, इनका ऑर्गन जो इनके पास रियल ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन इनके पास टिश्यू होती है, तो इनको टिश्यू लेवल टाइप में कह सकते हैं आप। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल समझ रहे हो ना, सिलेंडर टाइप में होती है बॉडी, और ये डिसीज कॉजिंग वॉर्म्स होते हैं। आपको पता होगा जो हाथी पाँव, सुना हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस है ना, एलिफेंटियासिस हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं, तो एलिफेंटियासिस एक डिसीज़ होती है जिसमें वो पाँव, किसी भी ह्यूमन का पाँव हाथी जैसा दिखने लगता है, ऐसा पाँव हो जाता है ना, वो एक वॉर्म के थ्रू होता है, वुशीरीडिया साइंटिफिक नेम है, फाइलेरिया, हाँ याद आ गया, फाइलेरिया सुना है ना आपने डिसीज़, फाइलेरिया इसी वॉर्म के थ्रू, फाइलेरियल वॉर्म दैट इज वुशीरीडिया से फैलता है, ये वॉर्म है, नेमाटोडा में आते हैं जनरली वॉर्म आते हैं, एक एस्कैरिस होता है राउंड वॉर्म, है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इनके पास डेवलपमेंट आता है कि इनके पास जो सेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथस, उनके पास डिफरेंट सेक्सेस नहीं है, मतलब वही एक ऑर्गेनिज्म है, वही मेल है, वही फीमेल है, समझ रहे हो ना, वही मेल है, वही फीमेल है, लेकिन नेमाटोडा में अलग मेल होता है, अलग फीमेल होता है, फिगर देख लो, ओके। लेकिन फीमेल जो होता है बड़ा होता है, देखो पहली बात सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, पहले दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं और सीधे सीधे दिख रहे हैं, मेल छोटा है, फीमेल बड़ा है, समझ रहे हो ना, ये होता है। तो यही था, अभी अगले लेक्चर में एनेलिडा वगैरह डिस्कस करेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट ड्रॉप कर देना, तो स्टे ट्यून्ड टू एडियो भाई, और प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो सही बता रहा हूँ, पूछ लेना।